के अंदर आपको यहाँ से 100 गज के प्लॉट मिलने वाले हैं, वो भी 99 मिलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ से आपको शॉप्स मिलने वाली हैं, शॉप्स को भी बहुत ही बेहतरीन और वीआईपी ऑफर लेके आए हैं। तो यहाँ पे कैन एकेडमी, ये मेन डब्ल्यूटी रोड है, ये मेन 50 फीट वाइड रोड है। देखें मरी टाउन रेजिडेंसी में ऑलरेडी यहाँ पे पार्क्स जो है ना मौजूद हैं। लोकेशन पे 100 गज के प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो कि वेस्ट ओपन भी है, और 5000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट से अपने शॉप के सिर्फ 5000 रुपये व्यूअर्स आप पे करें और अपनी शॉप के मालिक बन जाएं, उसके बाद सारी टेंशनें ख़त्म। भाई जब कुछ अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आज मैं फिर से आ गया हूँ सियालवी स्टेट के ऑफिस में, और यहाँ पे आने का मेन रीज़न ये था कि इस दफ़ा ये बहुत ही बेहतरीन और वीआईपी ऑफर लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ से 100 गज़ के प्लॉट मिलने वाले हैं, वो भी 99 सारे लीज पे मिलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ से आपको शॉप्स मिलने वाली हैं, शॉप्स को भी बहुत ही बेहतरीन और वीआईपी ऑफर लेके आए हैं। अभी हम जाएंगे अमानुल्लाह सियालवी साहब के पास, उनसे जाके बात करेंगे और सारी की सारी डिटेल लेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो अभी चलता हूँ उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर माशाल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि इस दफ़ा मलीर टाउन रेजिडेंसी फेस 2 में आई थिंक मेरे ख्याल से आप ये जो ऑफर लेके आए हैं उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। प्लीज़ बैठें। अच्छा जुनेद, मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था, इसकी लोकेशन गाइड की थी, वो आप लिंक में डाल दीजिएगा, ठीक है? अच्छा अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, केएन अकेडमी यहाँ पे आपको मैप में शो रहा है, तो यहाँ पे केएन अकेडमी, ये मेन डब्ल्यूटी रोड है, ये मेन 50 फीट वाइड रोड है, ठीक है? इसके ऊपर हमारे पास प्रोजेक्ट में मौजूद है जैनब एक्सीलेंसियन मॉल में शॉप्स मौजूद हैं, 952 स्क्वायर यार्ड्स की एसपी है, ग्राउंड और फर्स्ट पे शॉप्स हैं और उसके ऊपर अपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह चेज़ मॉल में भी यहाँ पे शॉप्स और अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो पिछली वीडियो थी मैंने बताया था कि इसमें 11 से लेके 14 एसबी तक के ऊपर भी हम नीचे शॉप्स ऊपर अपार्टमेंट्स ला रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमने यहाँ पे जो कटिंग की थी 120 गज़ की, उसमें तकरीबन 100% प्लॉट्स जो हैं वो सेल आउट हो गए हैं। और जैसे कि आपने बोला था कि माशाल्लाह से 120 गज़ वाले काफ़ी प्लॉट मतलब माशाल्लाह से बिक चुके हैं जी, तो अभी हमारे पास 100 गज़ वाले मौजूद हैं जी। तो 100 गज़ वाले का बता दें कि उसकी लीज वगैरह का क्या होने वाला है, कि मतलब लीज होंगे ना जिस तरह वो कहते हैं 99 साल लीज हो। बिल्कुल देखें, ये SBCA से लीज प्रोजेक्ट है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये भी हम इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहे हैं। अमूमन जो बिल्डर होता है, कोई भी बिल्डर हो, चाहे वो सायमा हो, फलकनाज हो या GFS हो, वो अपने अलॉटीज से पहले उसकी तमाम इंस्टॉलमेंट्स लेता है और उसके बाद लीज़ हैंडओवर की जाती है। प्लॉट की तमाम जब कीमतें अदा होती हैं तो उसके बाद लीज़ दी जाती है। उसके उस टाइम पीरियड तक बिल्डर फाइल मिलती है जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स और रिसिप्ट वगैरह मौजूद होती हैं। तो बट आप हमारे यूजर्स को क्या स्पेशल ऑफर देने वाले हैं यहाँ पे, मतलब कुछ ये बताएं ना कि मतलब क्या डाउन पेमेंट होने वाली है और क्या कुल कीमत क्या होने वाली है उसकी, और यहाँ पे एमिनिटीज़ क्या होने वाली है, फैसिलिटीज जो प्रोवाइड मतलब मरी टाउन रेजिडेंसी के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। देखिए मरी टाउन रेजिडेंसी में ऑलरेडी यहाँ पे पार्क्स जो है ना मौजूद हैं, उनको आप देखेंगे लश ग्रीन पार्क्स मौजूद हैं, उसमें मस्जिद बनी हुई है, AC लगा ऑलरेडी। इसके अलावा इसके में क्लब हाउस भी ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है? मतलब ये कोई जो है ना एरिया वगैरह भी हर चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल प्ले एरिया भी है, पार्क में झूले भी लगे हुए हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे पास इंतहाई ज़बरदस्त लोकेशन पे 100 गज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो कि वेस्ट ओपन भी है और जो है प्राइम लोकेशन है, कमर्शल्स के पास हैं प्लॉट्स, लिमिटेड प्लॉट्स हैं, ठीक है? ये जो मैं लिमिटेड कह रहा हूँ ये लिमिटेड ही है क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट जो है ना बुक्ड हो चुका है, ठीक है? तो जो पहले आएगा उसको अभी वेस्ट ओपन प्लॉट मिल जाएगा। हमारा फेज टू में है ना मरी टाउन रेजिडेंसी फेज टू के अंदर, जो मैं पहले भी एक वीडियो बना के जा चुका हूँ, वो भी मरी टाउन रेजिडेंसी फेज टू की थी और ये भी फेज टू की होने वाली जी। बिल्कुल ये फेज प्लॉट की क्या कीमत वगैरह मतलब क्या होने वाला है कुछ ये थोड़ा सा गाइड कर दे हमारे व्यूअर्स को। देखिए मैं जो ऑलरेडी हमसे लोग बुकिंग्स करवा चुके हैं, 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट पे हमने बुकिंग की है 100 गज की, और 25 से 30 हज़ार रुपये इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। इंस्टॉलमेंट 25 से 30 हज़ार रुपये व्यूअर्स होने वाली है यहाँ पे जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे कि डेवलपमेंट का जो काम है वो मतलब स्टार्ट वो कब से कर सकते हैं, जिस तरह कितनी पेमेंट अदा करने के बाद वो कर देखें ये जो प्रोजेक्ट है इस वक्त रेडी टू मूव है। मलीर एक्सप्रेस वे के आने के बाद इसकी अफादियत मजीद बढ़ जाएगी,
ठीक है, इसमें अभी भी 25 से 30 लोग रह रहे हैं, घर बने हुए हैं। नहीं नहीं माशाल्लाह, तो मैं भी गया था विजिट करके आया था, माशाल्लाह तो वहाँ पे घर वगैरह काफ़ी बने हुए हैं और पानी की भी वहाँ फैसिलिटी मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी की मतलब बिजली वगैरह का भी कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। नहीं, बिजली इस वक्त इस सोलर सिस्टम पर चल रहा है, बिजली आ जाएगी। दिसंबर मैनेजमेंट ने ऐलान कर दिया है कि जो है ना अभी दिसंबर में इंशाल्लाह इसकी बिजली का भी तमाम हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो शॉप्स का जो आप बता रहे थे, शॉप्स का भी आप ले के आए प्रोजेक्ट, उसका क्या हिसाब किताब है? देखें, शॉप तो 2 लाख रुपए की उसकी डाउन पेमेंट है और 5,000 रुपए मंथली इंस्टॉलमेंट से अपने शॉप के मालिक बन सकते हैं। सही। अच्छा, तो और शॉप की कुल कीमत क्या होने वाली है? शॉप की जो कुल कीमत है 6 लाख से लेके लोकेशन वाइज 8 लाख, 10 लाख और ये 20 लाख। लोकेशन पे डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे आपको शॉप मिल रही है, उस हिसाब से उसकी कीमत तय हो जाएगी। बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होने वाली है? 5,000। सिर्फ 5,000, मतलब सिर्फ 5,000 रुपये विवत आप पे करें और अपनी शॉप के मालिक बन जाए, उसके बाद सारी टेंशनें खत्म। भाई जब खुद ही मालिक हो गए तो सारी टेंशनें भी खत्म हो गई। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मेन लोकेशन हमारे यूवर्स को समझा देंगे कि यहाँ पे आने के लिए कोई भी आपके पास आना चाहिए तो किस तरह आ सकता है? देखें, जो भी अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बगैर बताए प्रोजेक्ट पर पहुँच जाते हैं और फिर मुझे कॉल करते हैं, या मेरे किसी नुमाइंदा कोई कॉल उठाता है तो वो बोलते हैं कि अमानुल्लाह भाई से मिलना था, तो वो कभी मैं किसी लोकेशन पे मौजूद होता हूँ, कभी तो किसी लोकेशन मुश्किल होता है। आप निकलने से पहले कांटेक्ट करके आएँ ताकि आपको परेशानी ना हो। और जो भी मुझसे कांटेक्ट करके आते हैं, मैं हर बंदे फर्द एक एक बंदे से मैं मुलाकात करता हूँ, खुद डील करता हूँ, खुद बात करता हूँ। तो अगर खुदा ना खास्ता कॉल अटेंड ना हो, आप दिए गए नंबर के व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह खुद कॉल बैक करूंगा। बाकी नंबर वगैरह तो व्यूअर्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, इनके कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं, आप इनसे व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं। पहले आप इनसे रब्ता कर लेंगे, आपको टाइम बता देंगे, आप उस टाइम पे विजिट करेंगे, आपको पूरी जगह भी विजिट करवाएंगे और सारी की सारी डिटेल भी देंगे आपको। और इंशाल्लाह कि मतलब कि और यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि कोई नए आए हुए हैं और ऐसा धोखा, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने पिछले 20 साल से हमारा यही ऑफिस है, यहीं पर बैठ के हम काम कर रहे हैं। चले, फिर अभी लास्ट में उनको तमाम को टैंक चौक का ही पता है, वहाँ से चेक पोस्ट नंबर 2 है, उसको क्रॉस करेंगे तो आगे आप लेफ्ट टर्न करेंगे, ठीक है, तो लेमन गोड को जा रहा है, ठीक है, उसको लेफ्ट टर्न करेंगे तो आगे आएगा वहाँ पे चेक पोस्ट नंबर 3, उसको क्रॉस करेंगे, एक रोड लेफ्ट को भी टर्न कर रहा है, स्क्रीन 6 को जा रहा है जिसमें ऑलरेडी अपार्टमेंट्स तैयार हो चुके हैं, उस रोड को उस तरफ नहीं जाना, आपने बिल्कुल सीधा ही जाना। आगे KN अकेडमी का आपको बोर्ड नज़र आएगा, उससे पहले इकरा यूनिवर्सिटी का बोर्ड नज़र आएगा, KN अकेडमी को जैसे ही क्रॉस करेंगे लेफ्ट हैंड पे आपने टर्न कर लेना, तो आप हमारे प्रोजेक्ट पे पहुंच जाएंगे। चले, बहुत ज़बरदस्त हो गया भाई ये, माशाल्लाह से अमानुल्लाह साहब ने हमें बताई ये सारी डिटेल, और आप भी इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप भी जल्दी ही विजिट करें और स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप इसी पे कॉन्टैक्ट करके इनसे सारी डिटेल भी ले सकते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए, बहुत थैंक यू सो मच।